गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आप एक्चुअली मतलब समझ लीजिए, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो जानते ही हैं, हाँ, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ज़्यादा है। मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी। ए में मेरे सॉल्यूट कम है और बी में सॉल्यूट ज़्यादा। अगर बी में सॉल्यूट ज़्यादा है, इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ए की कंसंट्रेशन कम। आप कह सकते हैं किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, हाँ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में अगर मेरे पास दो या तीन केसेस ऐसे होती हैं जिसमें कि अलग अलग अमाउंट की सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, तो जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी उनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। आप ये डायग्राम देख के बताइए, किस केस में आपको शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिख रहा है ना, तो बताइए ये कैसा होगा। हाँ, दिस विल बी कंसंट्रेटेड, हम इसको कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। अभी सब नोट करा देंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। और जब सॉल्यूट की अमाउंट कम हो जाती है या कंसंट्रेशन कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायलूट। क्या बोलते हैं, डायलूट। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं क्या है, उसके बाद तो हम आपको सारा नोट करा ही देंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन मे हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। हो सकता है एक सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो, ठीक है, वाइल अनदर सॉल्यूशन मे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। और हो सकता है कि दूसरे वाले में सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा हो, वो तो हमारे ऊपर है ना। अब देखिए, कुछ लोगों को चाय मीठी पसंद होती है, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा मीठा चाहिए होता है, तो देखिए उनके चाय में शुगर नॉर्मल चाय से ज़्यादा होगा या कम, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो अब दोनों में बता सकते कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, हाँ मीठी चाय ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी क्योंकि उसमें शुगर के अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट कितना मिक्स किए और कितना नहीं किए। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन। अब जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट कम होगा हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाँ उसकी कंसंट्रेशन हाई है। दूसरा फिगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यस, जो लाइट कलर का है वो है हमारा बिल्कुल पोटेशियम पर मैग्नेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि उसमें जो पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया गया है वो क्या है, बिल्कुल कम है, यानी कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। जबकि उसी के बगल वाले में अगर आप देखें तो वो डार्क कलर दिख रहा है। डार्क कलर कब होता है, जब हम कलर ज़्यादा मिला देते हैं, यानी कि उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ज़्यादा हो गया या कम, ज़्यादा हो गया होगा। अगर वो ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, हाईली कंसनट्रेटेड, ये क्या हो गया, लो कंसनट्रेटेड। और जिसकी कंसनट्रेशन लो होती है हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, या फिर आप होली वगैरह में कलर खेलते होगे तो आपको पता होगा, जब आप थोड़ी से कलर मिलाते हैं तो कलर लाइट रहती है, जब ज़्यादा कलर मिलाते हैं तो कलर डार्क हो जाता है। जब डार्क कलर है और लाइट कलर है तो आप कह सकते हैं सर लाइट कलर वाले की कंसंट्रेशन लो होगी क्योंकि उसमें जो कलर मिलाया गया वो कम है, जबकि जो डार्क कलर है उसमें कलर जो मिलाई गई वो ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात, चले आगे। इट इज़ नोन एज अ डायलूट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, डायलूट सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन को डायलूट सॉल्यूशन कहते हैं, हाँ ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कि सॉल्यूट के अमाउंट कम हो या जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, दे आर नोन एज डायलूट सॉल्यूशंस। लिख सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट देखिए दिया, द सॉल्यूशंस हैविंग, इसके आगे ये सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द सॉल्यूशंस हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी ऑफ हाई कंसंट्रेशन एंड इट इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप ये वाला डायग्राम ना बना के आप ये वाला डायग्राम बस बनाएंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है ये शुगर के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। देख के ही कोई भी बता सकता है इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स कम है यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जबकि
इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नाउ वी कैन डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एज द फॉलो। अब हम सॉल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकते हैं। इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा और गड़बड़ है। हाँ अभी ठीक है। तो देखिए, अगर हम सब कोई पूछे कि कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या है, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन, वो पूछ रहे हैं कंसंट्रेशन क्या है। तो हम डेफिनेशन यहां से लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन क्या है? किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, जिसके सॉल्यूट कम उसकी कंसंट्रेशन भी कम। तो हम क्या कह सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसे कई तरीके हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द परसेंटेज मेथड। अगर इसमें से सबसे कॉमन यानी एकदम जनरल वे, जो लगभग सबको मालूम होना चाहिए या होता है, वो है हमारा परसेंटेज मेथड। दैट इज परसेंटेज मेथड। द परसेंटेज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब परसेंटेज मेथड का मतलब क्या होगा, ये बताएगा कि मेरे सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, मेरे सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है। अब मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक में सॉल्यूट का अमाउंट 20% है, दूसरे में 30% है। बताइए कौन हाईली कंसंट्रेटेड होगा? हाँ, जिसकी कंसंट्रेशन की अमाउंट कितनी है, 30% आ रही है, जिसमें कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना 30% है, दैट विल बी हाईली कंसंट्रेटेड। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी बाई मास और बाई वॉल्यूम। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो हो सकता है बाई मास, यानी कि हम वजन करके बता सकते हैं, दैट इज नोन एज बाई मास। और दूसरा हो सकता है बाई वॉल्यूम, यानी कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। अगर आप लीटर में डिफाइन करते हैं तो वो क्या होगा, बाई वॉल्यूम। अगर आप मास में डिफाइन करते हैं तो वो किस में होगा, किलोग्राम में, क्योंकि मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, किलोग्राम में। लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे केमिकल्स इतने महंगे और डेंजरस होते हैं कि हम इतना ज़्यादा अमाउंट यूज नहीं करते, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम लीटर को किस में लिखते हैं, इसके छोटे यूनिट में। छोटा यूनिट क्या है, मिलीलीटर। उसी तरह से हम किलोग्राम को किस में लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, परसेंटेज मेथड दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए काम आ सकता है। पहला बाई मास और बाई वॉल्यूम। तब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। आइए, ओके 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 ओके, क्या हो गया? यस, देखिए, इफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड देन वी कंसीडर द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए, अगर मेरे पास जो सॉल्यूट है जिसको हम मिक्स कर रहे हैं वो किस में दिया हमें, सॉलिड फॉर्म में दिया है, यानी कि शुगर अगर आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं, या फिर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, ये जो भी आप मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में। जब भी आपके पास सॉलिड सॉल्यूट होता है उस केस में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, बाई मास, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप बताइए बाई वॉल्यूम का यूज करेंगे या परसेंटेज वॉल्यूम का यूज करेंगे। जब हमारे पास ये जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। आइए देखते हैं। सो इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट जो काम की चीज आपके पास वो ये लिखना है आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स
प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट आपने मिलाया है, तो उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। बहुत सिंपल सा है। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज मास कंसंट्रेशन हमने कह दिया कि 20% है, तब कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। ध्यान से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। अगर मैंने कहा वेट बाय वेट परसेंट, इसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं, मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। अगर मैंने कहा किसी सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट आपको 20% दिया गया है, कितना दिया गया है? 20%। तो इसका मतलब आप कहेंगे वेट बाय वेट ना, यानी कि आप कहेंगे सर अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसमें 20 ग्राम कौन है? सॉल्यूट है। ये जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे सॉल्यूट को। अब बताइए अगर हम आपको वेट बाय वेट परसेंट मान लीजिए देते हैं 45%, कितना दे दिया हमने? 45%। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? हाँ, इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें 45 ग्राम कौन होगा? सॉल्यूट होगा। उसमें 45 ग्राम कौन होगा? सॉल्यूट होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर हमसे कोई सॉल्वेंट पूछ ले तो बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा रिलेशन और आपको पता होना चाहिए, पता तो खैर होगा ही। क्या होता है? देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 10 ग्राम सॉल्ट को, ठीक है, 90 ग्राम वाटर में मिला दिया, तो इसमें सॉल्यूट कौन है? सॉल्ट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो बताइए मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 10 ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा या कुछ और होगा? हाँ, कुछ और होगा। और वो कितना होगा? डैट विल बी 100 ग्राम। इतनी सी बात तो आती है ना, मैथ सिंपल से। तो मैथ से आप मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, आपने इसमें पानी भर रखा है और वो पानी है आपका 400 ग्राम, ठीक है, और आपने इसमें क्या किया? 50 ग्राम शुगर मिला दिया। तो बताइए अभी सॉल्यूशन का मास टोटल कितना हो गया? हाँ, 450 ग्राम। यानी कि जो ये सॉल्यूशन बन रहा है, ये सॉल्यूशन किससे बन रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलाने से बन रहा है। किससे बन रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलाने से बन रहा है। बात मेरी समझ में आई आपको? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए, अब हमें ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो बता सकते हैं सॉल्वेंट कितना रहा होगा? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। ये सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अगर 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 100 माइनस 20 करेंगे कितना जाएगा? 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या रहा होगा उसमें? सॉल्वेंट रहा होगा। मेरे पास समझ में आई आपको? और कुछ क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए मेरे पास 400 ग्राम सॉल्यूशन है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। इस 400 ग्राम सॉल्यूशन में 300 ग्राम सॉल्वेंट है, मान लीजिए इसमें 300 ग्राम सॉल्वेंट है, तो बताइए सॉल्यूट कितना रहा होगा? 400 माइनस 300 यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूट रहा होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि 100 ग्राम और 300 ग्राम को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 400 ग्राम, देखिए इसके इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और कुछ एग्जांपल कराएं। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 किलोग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, और 20 किलोग्राम आपके पास सॉल्वेंट है। इस बार आपको सॉल्यूशन बताना है कितना आएगा। हाँ, कितना आएगा? 22 किलोग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है? इन दोनों से मिलाने के बाद। जब आप दोनों को मिला देंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 22 किलोग्राम हो जाएगा। अब हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है,
और इस पूरा सॉल्यूशन है, इसका मास आपको दिया गया 50 किलोग्राम, ठीक है। इसमें आपको अगर हम कह दें कि सॉल्यूट 5 किलोग्राम है, सॉल्यूट कितना है 5 किलोग्राम, तो आप बता सकते हैं सॉल्वेंट कितना आएगा, बताइए फटाफट। हाँ कितना आएगा, 55 नहीं, कितना आएगा 45 किलोग्राम। ये सॉल्यूशन था ना, इन दोनों के मिला के कौन बनेगा, ये बनेगा, कर सकते हैं। चलिए अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं, आप उस फॉर्मूले को याद रखेंगे और उससे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है देखिए, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3। अभी देखिए W1, W2, W3 क्या होता है, W1 होता है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये W2 क्या होता है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए W3 क्या होगा, हाँ दिस विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही, कर सकते हैं अब। चलिए अब आते हैं वापस से अपने टर्म पे। अब बताइए अगर हमें वेट बाय वेट परसेंट 20% दिया गया है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, आप बता सकते हैं हमें सॉल्वेंट कितना होगा इसमें। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, अगर 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 80 ग्राम कौन रहा होगा, सॉल्वेंट रहा होगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिए, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3। आपको क्वेश्चन में पता है कि कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूशन है, आपको सॉल्वेंट निकालना है तो आप उसको वैसे ही रहने देंगे W1। आपको सॉल्यूट पता है कितना है 20 ग्राम, तो आपने यहाँ 20 लिख लिया। आपको सॉल्यूशन का मास भी पता है कितना है 100 ग्राम। जब आप W1 की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस प्लस 20 को इधर लेके आना होगा, क्या हो जाएगा -20, यानी कि 100 माइनस 20 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 80 ग्राम्स आ जाएगी। बात समझ में आ गई, अभी भी कोई डाउट है, नहीं है तो चलिए। अब आपको मोटा मोटी वेट बाय वेट परसेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब वो ये बताएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, क्या बताएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। अब मान लीजिए हमने आपको दे दिया वेट बाय वेट परसेंट इज 25%, और हमने पूछा आप हमें बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमने आपसे बोला तीनों आप निकाल के हमें बताएंगे। तो आप पहले काम करेंगे, जैसे आपको वेट बाय वेट परसेंट दिख जाए आप तुरंत लिखेंगे लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W1, W2 या W3? W3 से ना, W3 इज इक्वल टू 100 ग्राम हम मान लेंगे कि वो कितना है 100 ग्राम। अब यहाँ आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2, W3 100 ग्राम है तो W2 उतने ही ग्राम होगा जितना परसेंट आपको दिया गया है। कितना परसेंट दिया है 25%, यानी कि सॉल्यूट कितना है उसमें 25 ग्राम। अभी हमें एक चीज़ और निकालनी है, कौन, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ठीक है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं 100 में 25 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा 75 ग्राम। अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, हम तो बताएंगे आपको। देखिए W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3, ये तो याद हो गया। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है कितना आया है 25 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना माना है 100 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे 100, ये उधर जाएगा तो -25, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 ग्राम। तरीका समझ में आ गया, कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आज आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप उन होमवर्क को प्रैक्टिस करेंगे घर पे। सबके लिए आपको क्या करना है, एक ही चीज़, सबके लिए मास ऑफ सॉल्यूट W1, मास ऑफ सॉल्वेंट W1, मास ऑफ सॉल्यूट W2 और मास ऑफ सॉल्यूशन W3 निकालना है सभी क्वेश्चंस के लिए।
क्वेश्चन नंबर ए, वेट बाय वेट परसेंट आपको हम दे देते हैं कितना 45%। क्वेश्चन नंबर बी, वेट बाय वेट परसेंटेज 30%। क्वेश्चन नंबर सी, वेट बाय वेट परसेंटेज 70%। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप घर पर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पहले आप इसको आपके एक्सप्लेनेशन बताएंगे क्या है, नहीं आपका सही है गलत है, उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।